झारखंड चौकीदार को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है दोस्तों। हम आप लोगों को पहले से ही हर एक वीडियो में बोलते आ रहे हैं, जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाता है उसके बाद आप लोग का रुका हुआ काम शुरू हो जाएगा। तो देखिए रुझान आना शुरू हो गया है, ठीक है। धनबाद जिला से एक नोटिस जारी किया गया है, चलिए देखते हैं क्या नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार से जिस भी जिला में अभी तक प्रोसेस रुका हुआ है सभी जिला में एक दो दिन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस भी जिला में अब तक चौकीदार का परीक्षा नहीं हुआ है आप लोग पूरी तरह से पढ़ाई में लग जाइए। अगर आपको नौकरी लेना है तो दोस्तों आप लोग पूरी तरह से पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। जैसे ही DC SP नोटिस जारी करते हैं सारे बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको पहले से एक्टिव होना है, आप लोग नोटिस आने के बाद एक्टिव होते हैं जो कि गलत है, ठीक है। आज जारी हुआ है धनबाद जिला का नोटिस, कई सारा बच्चा हमें कॉल किए हैं अब वो एक्टिव हो गए, और ये चीज आप लोग हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, ठीक है, कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा आप लोग का जो रुका हुआ काम है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या नोटिस आया हुआ है, ये नोटिस जारी हुआ है धनबाद जिला का। इसमें लिखा हुआ है धनबाद जिला अंतर्गत चौकीदार के रिक्त पदों की सीधी नियुक्ति हेतु कार्यालय विज्ञापन इतना दिनांक इतना दिया हुआ है के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या पर दिया हुआ है। आलोक से प्राप्त आवेदन पत्र की स्क्रूटनी उपरांत संबंधित देखिए अंचल वार सूची ये वेबसाइट है www.dhanbad.nice.in के वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है, जिस पर दावा आपत्ति करने हेतु आवेदकों को दिनांक 28/11/2024 से लेकर 4/12/2024 तक धनबाद देखिए समाहरणालय यानी नया भवन प्रथम तल्ला के कमरा संख्या 109 में कार्यालय अवधि 10 से लेकर 5 बजे तक काम होगा, ठीक है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम होगा, बजे अपराहन तक आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। आवेदक दावा आपत्ति इतना इतना डॉट डॉट देखिए अपने यहाँ दिया हुआ है www.dhanbad.nice.in पर उपलब्ध विहित प्रपत्र में अनुसंगलन सहित समर्पित करेंगे। यानी दोस्तों किस कारण से आपका फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है आपको लिखा गया है, वहां पर लिख दिया गया है, ठीक है। आप अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं, वेबसाइट पर सभी बच्चा का दोस्तों लिस्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर एक एक दोस्तों प्रखंड का हम यहाँ पर डाउनलोड किए थे जो आपको हम दिखाते हैं, है ना। देखिए एक झरिया प्रखंड का हम डाउनलोड किए थे, इसमें देखिए आप साफ साफ देख पा रहे हैं आप लोग, प्रखंड का नाम दिया हुआ है और थाना दिया हुआ है और क्रमांक संख्या भी दिया हुआ है, देखिए बीट संख्या दिया हुआ है और आवेदक का नाम दिया हुआ है, उनका पिता का नाम दिया हुआ है, वो मेल है फीमेल है दिया हुआ है, उनका एड्रेस दिया हुआ है, जन्म तिथि भी दिया हुआ है और कौन से कास्ट को भी दिया हुआ है, ठीक है, वो विकलांग है कि नहीं ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आवासीय प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदक बीट का अस्थायी निवासी नहीं है। देखिए यहाँ पर किस क्या कारण से आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इस चीज का कुछ सुधार करना है। इसी प्रकार से सभी बच्चा यहाँ पर लिखा हुआ देखिए बीट के अस्थायी निवासी नहीं है ये, तो आप आपत्ति दवा कर सकते हैं। अगर आप आपसे किसी प्रकार से भूल हो गया होगा तो आप अपना आपत्ति दवा कर सकते हैं। डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, डेट कब से कब है, 28 से लेकर 4 तारीख के बीच आप कर सकते हैं, वो भी दोस्तों यहाँ दिया गया है 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच, ठीक है, लास्ट डेट 4 तारीख को है, तब तक आपको सुधार कर लेना है, ठीक है। आप लोग जाइए वेबसाइट पर और चेक कीजिए अपना नाम, ठीक है, अपना नाम पर जाकर चेक कीजिए आपको किस कारण से दोस्तों किस कारण से आपका रिजेक्ट किया गया है, ठीक है ना। सभी को आप लोग क्या करेंगे देखिए इस फॉर्म का भर के ले जाना, अगर आपका रिजेक्ट हुआ है, अगर आपको कुछ कारण वहाँ लिखा हुआ है ना, तो आपको इस फॉर्म को भर के ले जाना। देखिए यहाँ पर ये एक पेज मिलेगा जिसको आपको यहाँ पर सारा चीज़ भर लेना है, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है सारा चीज़ आपको भर लेना है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, नोट में लिखा हुआ है आवेदनकर्ता के द्वारा आवेदक पत्र में अपना एक सब हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, देखिए वहाँ पर एक आपको क्या करना है सिग्नेचर करना है, अपना एक प्रमाण पत्र ले जाना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ये सब यहाँ पर आपको एक संकलन करना, मतलब एक यहाँ पर पीछे स्टेपलर मार देना है प्रिंट आउट करके, ठीक है, और वहाँ पर आप लोग अपना साइन भी कर दीजिएगा, ठीक है, कोई भी चलेगा, आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, ये सब कोई भी चलेगा, ठीक है। आवेदनकर्ता आवेदक के साथ जो भी कागजात प्रस्तुत करेंगे सभी पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य, यानी जो भी आप जमा करेंगे दोबारा जब आप आपत्ति दवा करने के समय जो भी आप जमा करेंगे सब में आप लोग अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा सभी चीज में, ठीक है। इस फॉर्म को आप लोग जरूर भर लीजिएगा और आप लोग चले जाइएगा कहाँ पर, देखिए यहाँ पर कहाँ पर बुलाया गया है, इस एड्रेस को देख लीजिए कहाँ पर बुलाया गया है, इसे आप लोग को बुलाया गया देखिए धनबाद समाहरणालय नया भवन
प्रथम तल्ला के कमरा संख्या 109 पे आपको जाना है, ठीक है। 10 बजे से 5 बजे तक काम होगा, जाके आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी को चेक कर लीजिएगा, ठीक है, सभी को चेक कर लीजिएगा कि आपका फॉर्म किस कारण से रिजेक्ट किया गया है। देखिए बगल में लिखा हुआ है सब चीज़, है ना। और आप लोग अपना तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए, ठीक है। कहीं से भी आप लोग नोट्स ले लीजिए, कहीं से भी बुक ले लीजिए, लेकिन अपना पढ़ाई चालू शुरुआत कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं तो आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं। नोट्स देखिए ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर अभी अपडेट होगा, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपके साथ हम बने रहेंगे। और सबसे मेरे एक खास चीज़ है मेरा नोट्स में, वो है दोस्तों ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट। आप लोग को एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिससे आप जांच सकते हैं कि आपसे कितना बच्चा आगे चला गया है और आपसे कितना बच्चा पीछे है, आप किस नंबर पे हैं, ये सारा चीज़ शो करेगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही जरूरी है। बाकी एक डिस्कस ग्रुप बना देंगे, है ना, एक ग्रुप बना देंगे जहाँ पर आप लोग सभी को मिलकर आपस में डिस्कस भी कीजिएगा, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है नोट्स के अंदर। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे रात तक, ठीक है। बाकी समय आप सिर्फ मैसेज करेंगे, बाकी शाम में आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।